नमस्कार। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे क्षेत्रफल, आयतन, सरफेस एरिया इस तरह के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और मार खाते हैं, क्योंकि इसीलिए क्योंकि उन्हें इनके फॉर्मूलाज याद नहीं होते। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा खेल बनाया जाए जिसमें बच्चे खेल ही खेल में सभी फॉर्मूलेज को रिवाइज कर सकें। आइए एक छोटा सा खेल देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास दो अलग अलग रंगों के गोले हैं। एक बड़ा गोला बाहर की तरफ लगा गया है और एक छोटा गोला उसके ऊपर लगाया गया है, और इन्हें हमने स्क्रू और नट्स की मदद से आपस में फिक्स किया है। फिक्स इस प्रकार से किया है कि इस गोले को हम घुमा सकें। अब मान लीजिए हमें बेलन के बारे में जानकारी ज्ञात करनी है या रिवाइज करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस आकृति वाले खाने को बेलन की ओर लेकर आएंगे और जैसे ही बेलन की आकृति इस खाने में फिट बैठेगी हम इसे स्थिर कर लेंगे। अब यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये है बेलन की आकृति, इसके आयतन का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, इसके फलक होते हैं दो, शीर्ष होते हैं शून्य, किनारे होते हैं शून्य, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। इसी प्रकार से यदि मैं इसे आगे गोले की ओर लेकर आऊँ, तो हम घुमाकर इसको गोले पर ले आए। अब गोले की आकृति है इस प्रकार की, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसके फलक हैं शून्य, शीर्ष हैं शून्य, किनारे हैं शून्य, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अलग अलग आकृतियों का आप घुमा घुमा कर उनके बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो इस छोटे से मॉडल में बच्चे खेल खेल में मेंसुरेशन के बहुत सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें इनके प्रश्नों को हल करने में कोई कठिनाई ना आए।